क्या आप जानते हैं यूके के पिजियंस में एक बहुत ही अजीब सा बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिनके चलते इनके नेक्स ऐसे बेंड हो गए हैं और ये धीरे धीरे चल रहे हैं। तभी इन्हें कहा जा रहा है स्लो मूविंग ज़ॉम्बीज। ये जो आप देख रहे हैं वो है व्हेल का मिल्क। जी हाँ, व्हेल्स भी अपने यंग वंस के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इस मिल्क की कंसिस्टेंसी कभी कभी टूथपेस्ट जितना हो सकता है, तभी ये मिल्क वाटर में बिना ब्रेक हुए ट्रैवल कर सकता है। इस क्लिप में आप एक ऐसे ऑक्टोपस को देख रहे हैं जो कि अपने प्रेडेटर्स को दूर भगाने के लिए अपने टेंटिकल्स को एक बॉल के शेप में बदल रहा है। साइंटिस्ट ने जेलीफिश के डीएनए को कार्फिश के डीएनए से ऐड किया है और जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। ये जो फिशेज है ये ग्लो इन द डार्क बन चुके हैं। ये एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल सिटीज को प्रोटेक्ट करता है। शायद आपको ये पता ना हो कि पिजियंस के आईलिड्स ऐसे सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये सेल्फी खुद इस मंकी ने लिया है जब इसने एक्सीडेंटली एक फोटोग्राफर के कैमरे को छीन लिया था। ये एक अवार्ड विनिंग फोटोग्राफी है जहाँ आप देख सकते हैं कि एक एंट वाटर ड्रॉपलेट को पुश कर रहा है। ये एक यंग बर्ड है जो कि ये सोच रहा है कि फूड इसके मुंह में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी माँ इसे बचपन में खिलाती होगी। यह है दुनिया का सबसे लोनलीस्ट बर्ड। इस सी बर्ड ने न्यूजीलैंड के एक आइलैंड में अपनी पूरी जिंदगी बिताई इन कंक्रीट के बनाए हुए नकली बर्ड्स के साथ। क्या आप जानते हैं फ्रॉग में एक ऐसा स्पीशीज होता है जहाँ टोर जैसे माँ के पीठ से निकलते हैं। ये एक तरह का फ्रॉग है जो कि अपनी स्किन को कुछ ऐसे मसाज करता है जिससे इसके स्किन से एक तरह का वैक्स निकलता है जो कि इन्हें सूरज से ड्राई होने से प्रोटेक्ट करता है।